हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद हर्षिदा। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही आसान रेसिपी जिसका नाम है स्वीट कॉर्न भेल। आप इसे स्वीट कॉर्न चाट भी कह सकते हैं और ये बहुत ही कम चीज़ों से बन जाती है। तो चलो फटाफट से शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो यहाँ पर मैंने 2 कप उबले हुए कॉर्न ले लिए हैं, जिसमें मैंने उबालते समय ही थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हल्दी डाल दी थी। आप देख सकते हो कॉर्न का कलर बहुत ही सुंदर दिख रहा है। अब इस कॉर्न में हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच के करीब कॉर्नफ्लोर। तो कॉर्नफ्लोर आपको आसानी से बाज़ार में मिल जाएगा। इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच के करीब हल्दी पाउडर। यहाँ पर हम नमक थोड़ा सा ही डालेंगे, क्योंकि कॉर्न उबालते हुए भी हमने नमक डाला था और हमें बाद में भी थोड़ा सा नमक डालना है। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच के करीब चाट मसाला लिया है, लेकिन अभी हम 1/2 चम्मच ही चाट मसाला यहाँ पर ऐड करेंगे। और इसी तरह 1 चम्मच यहाँ लाल मिर्च ली है, लेकिन 1/2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर ही हम यहाँ पर डालेंगे। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे और मिलाते हुए हमें ध्यान रखना है कि आपके सारे जो मकई के दाने हैं वे अच्छी तरह से कॉर्नफ्लोर से कोट हो जाने चाहिए। अब गैस पर रख देंगे एक पैन और इसमें ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच के करीब तेल। तेल हमारा गर्म हो चुका है, तो इसी स्टेज पे हम ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर से कोट किए हुए मकई के दाने। अब हमें इसे अच्छी तरह से लगभग मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट के लिए इसे पका लेंगे। हमारे कॉर्न ऑलरेडी पके हुए हैं, पर हमें इसके ऊपर की कोटिंग को थोड़ा सा कुरकुरा होने तक पकाना है। तो इसे हमें कंटिन्यूसली चलाते रहना पड़ेगा ताकि हमारे जो ऊपर की कोटिंग है वो कुरकुरी हो जाए। पाँच मिनट के करीब हो चुके हैं और हमारे कॉर्न अच्छी तरह से क्रिस्पी भी हो चुके हैं। आप इसे डीप फ्राई भी कर सकते हो, पर शैलो फ्राई में इसका मज़ा ही अलग है और ये इस तरह से हेल्दी भी है। तो बस इसी स्टेज पे हम निकाल लेंगे इसे एक बर्तन में और इसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच जो हमारा बचा हुआ चाट मसाला था वो। इसके बाद ऐड करेंगे बचा हुआ थोड़ा सा नमक। इसी के साथ इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर और बारीक कटी हुई एक प्याज, बारीक कटे हुए एक टमाटर, बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। अब इसके साथ हम इसमें ऐड करेंगे 1 नींबू का रस। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे ताकि हमारा जो नींबू का रस है वो भी अच्छे से इन सब चीज़ों में मिक्स हो जाए और उसका टेस्ट बहुत ही अच्छी तरह से आ जाए। आप देख सकते हो ये कितना सुंदर और कलरफुल लग रहा है। तो अब क्या, फटाफट से शुरू हो जाइए इसे खाने के लिए। मेरे बच्चे तो रेडी हैं, बस इसे निकाल लेंगे एक सर्विंग बाउल में और गार्निश करेंगे मिंट लीव से। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ट्राई करें और अपने व्यूज़ मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और मेरे वीडियो के नीचे लाइक के बटन को क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।